वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं मीनाक्षी आपके साथ। हमारे शो देखने से पहले यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। वेल आज मेरे साथ है डॉक्टर मयंक तिवारी जो कि डेंटिस्ट है। 13 साल का इनको अनुभव है और एज अ डायरेक्टर ये देव साई डेंटल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि व्हाट इज मिसअलाइनमेंट ऑफ द टीथ। यार इन मेडिकल टर्म यू कैन कॉल इट मालोक्लूजन। तो ये जब हमारे दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं उसको कहते हैं, जब हम मुंह बंद करते हैं उस पे हमारे दांत आगे अंदर की तरफ या देखने में अच्छे ना लगे, एस्थेटिकली ना लगे, तो इसको हम लोग जनरल वे में कहते हैं माल अलाइनमेंट और माल ऑक्लूजन ऑफ द टीथ। ओके, एंड डॉक्टर इसके कॉजेस पे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, क्यों ये हो जाता है? देखिए बहुत से कॉजेज हैं, लेकिन जो सबसे मेन कॉजेज है, जब हम जब दूध के दांत होते हैं या तो वो जल्दी निकल जाते हैं या टाइम से ना निकलते हैं, तो सबसे पहला कारण होता है वो। दूसरा होता है कुछ बैड हैबिट्स, जो कि थंब सकिंग, माउथ ब्रीदिंग या कि बहुत दिन तक बॉटल का यूज करना बच्चों की, ये भी एक कारण होता है। तीसरा एक और कारण होता है कि हमारे अक्लदार जिसको विजडम टूथ कहते हैं, वो जब निकलते हैं उसके बाद भी लेट एजेस में भी मालोक्लूजन देखा गया है, प्लस ट्रॉमा, चोट लग जाए जिसके कारण जॉ फ्रैक्चर हो जाए, ठीक से जॉ ना जोड़ा जाए, वो भी एक मालोक्लूजन या मिसअलाइनमेंट ऑफ द टीथ का कारण है। ओके, यानी कि जो हमेशा से हमने सुना है कि थंब सकिंग की वजह से अगर बॉटल का यूज बच्चा बहुत लंबे समय तक करता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके दांत ठीक तरह से नहीं आ पाते हैं। सो ये बात आप कहोगे कि सच है? जी 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 बिल्कुल सही बात है। बहुत देर तक बॉटल यूज करने पे, थंब सकिंग करने से हमारे जॉ यानी जो ऊपर मैक्सिलरी जॉ उसका शेप चेंज हो जाता है, जो सकिंग करते हैं उससे पैसिव फोर्स लगती रहती है धीरे धीरे धीरे, और लॉन्ग टर्म यूज में ये हो जाता है। जो बच्चे पैसिफायर यूज करते हैं वो भी लॉन्ग टर्म में 3 साल के बाद तक जो यूज करते हैं उनके में भी अमूमन देखा गया है कि माल अलाइनमेंट ऑफ द टीथ होते हैं। ओके ओके, एंड डॉक्टर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? दांत ठीक से नहीं आते हैं ये तो पहला सिम्टम हो गया, क्या इसके अलावा पेन होता है, कुछ और भी सिम्टम्स बॉडी शो करती है? मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहला टीथ, दो दांतों के हमारी दो सबसे मेजर रोल हैं, देखने में अच्छे लगे, खाने के काम आए, तो ये दोनों सिम्टम्स देते हैं। सबसे पहले देखने में अच्छे नहीं लगते हमारे दांत, जब स्माइल करते हैं तो नहीं अच्छे लगते, बाहर की ओर लगते हैं। दूसरा पूरे फेस का अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है उससे, और डिफिकल्टी इन ईटिंग, खाने में भी जिसके दांत बाइट नहीं ठीक हो, कुछ ओपन बाइट केस कहते हैं जिनमें आगे के दांत खुले रह जाते हैं तो वो उसमें प्रॉपर बाइट भी नहीं कर सकते हम आगे से, तो ये डेफिनेटली पेन और वो कम देखा गया है। अमूमन पेन बहुत ज्यादा बाहर की ओर निकले हो तो चीक बाइट यानी गाल कटते हैं उसमें, ये सब सिम्टम देखा गया है, लेकिन जनरली ऐसे मेजर सिम्टम्स नहीं होते। सो डॉक्टर अब हम आते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है, अगर मैं कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूँ तो फिर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, मैं यही कहूंगा। अगर हम बचपन से ही अपने दांतों का ध्यान दें, जब हमारे दांत टूटने लगते हैं, अगर जल्दी दूध के दांत टूट जाते हैं तो भी स्पेस हो जाता है, तो वो स्पेस को दूसरे अगल बगल वाले दांत कवर कर लेते हैं, जिसकी कारण से हमारे दांत अलाइनमेंट में नहीं आ पाते। तो हमें बचपन से ही ध्यान देना है। अगर हमारे पास देख रहे हैं कि बच्चों में बैड हैबिट्स है तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत से अप्लायंसेस आते हैं जो हम लोग अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाके उनसे परामर्श लेके वो यूज कर सकते हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात जो हमें कि हमें अगर 6 महीने पे, मतलब 3 साल के होने के बाद से हर 6 महीने पे अगर हम अपने डेंटिस्ट को विजिट करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में ही अगर लक्षण को पहचान लेने से इलाज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका इलाज कम समय में भी हो जाएगा। राइट, एंड डॉक्टर मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, कोई ऐसा फ्रूट या कोई ऐसी वेजिटेबल अगर आप हमें बता सकें जिससे हमारी डेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाए तो आप क्या कहेंगे? देखिए जनरली जिसमें विटामिन सी इनरिच होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो मजबूत करते हैं, और गम्स हमारे टूथ के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे मसूड़े मजबूत नहीं होंगे तो हमारे दांत भी मजबूत नहीं होंगे, तो फ्रूट्स बहुत जरूरी है हमारे ओरल हेल्थ के लिए भी और जनरल हेल्थ के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू मीनाक्षी, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हेयर डॉक्टर। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर मयंक तिवारी जो है
तरीके से बताया कि हमें अपनी डेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। 6 महीने में डॉक्टर से, डेंटिस्ट से कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए। ऑन दिस नोट मैं शो को खत्म करती हूँ, आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।